तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर में कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए ये कॉमन फ्रैक्शंस है और इनको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी वे से नंबर वन क्वेश्चन जो है 7/8 से हमने यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जस्ट हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पर न्यूमरेटर होगा उसे जस्ट हमने डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड देना है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 जो है 7 का टेबल एड पर नहीं लग रहा, तो जस्ट हमने यहाँ पर 0 देन पॉइंट लगा देनी और यहाँ पर 0 ऐड कर देनी है। तो अभी हमने यहाँ पर टेबल पढ़ना 8 8 64 और यहाँ पर जो है डिफरेंस जो आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर पॉइंट के बाद हमने एक और 0 लेके आनी और यहाँ पर अभी हमने जस्ट यहाँ पर बोल देना है 7 8 हो जाएगा यहाँ पर 56 और यहाँ पर जो डिफरेंस मिल जाएगा वो 4 मिल जाएगा। पॉइंट आई हुई तो एक दफा 0 हमने हमने यहाँ पर 0 ऐड कर देनी है और यहाँ पर 5 8 40 कर देना है और ये ही जो इसका फाइनल आंसर है। तो नंबर 2 को भी सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 9/10 को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 9 को जस्ट हमने 10 के साथ डिवाइड देना है और टेबल नहीं लग रहा तो जस्ट हमने यहाँ पर 0 देन पॉइंट लगानी और यहाँ पर 0 लगा देनी है। यहाँ पर आपने याद रखना है पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हमें 1 0 लगाने की हो जाती है। तो हमने जस्ट यहाँ पर टेबल पढ़ना है 10 का, अगर 9 टाइम टेबल पढ़ते तो 90 बन रहा है और ये जो इसका फाइनल अंश है। और यहाँ पर तीसरा नंबर जो दिया हुआ है ये स्टूडेंट उसमें है 2/5 को जो है कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 2 को हमने जस्ट डिवाइड देना है 5 के साथ, पॉइंट लगा देनी और यहाँ पर 0 लगा देनी है और अभी यहाँ पर हमने बोल देना है कि यहाँ पर 4 5 या जो है 20 हो जाएगा और रिमाइंडर जो है 0 मिल जाएगी। सोलह स्टूडेंट्स यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 61/50 और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 61 को 50 के साथ डिवाइड देना है। तो अगर हम 1 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 150 50 मिल जाएगा और डिफरेंस जो आ जाएगा वो 11 का आ जाएगा। अभी पॉइंट लगानी है 0 लगा देनी है। और अगर 2 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो 100 मिल जाएगा और डिफरेंस जो मिल जाएगा 10 का मिल जाएगा और पॉइंट आई हुई तो एक दफा फिर 0 लगा देनी है। 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 100 मिल जाएगा और यही जो इसका फाइनल आंसर है। नंबर 6 में यहाँ पर दिया हुआ है 19/20। सो 19 को जस्ट डिवाइड देना है 20 के साथ। सो हमने जस्ट यहाँ पर 0 देन पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 0 एड कर लेनी है। ये आपने ये रूल याद रखना है कि जब भी हमने यहाँ पर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड देना है तो 0 देन पॉइंट लगा देनी है। अगर यहाँ पर जो है डिविडेंड जो होगा छोटी होगी और डिवाइजर बड़ा होगा तो हमने जस्ट यहाँ पर 0 देन पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 1 0 का इजाफा कर देना है। सो अभी हम अगर टेबल पढ़ रहे हैं 20 का कितने टाइम टेबल पढ़े के जो है 190 मिल जाए। सो 20 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं 6 टाइम तो 6 0 देन 6 2 18। सो अगर 20 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 180 और यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाएगा 0 देन 1 का आ जाएगा। पॉइंट आई हुई तो एक और 0 यहाँ पर एड कर देनी है। सो अभी जस्ट हमने टेबल पढ़ना है 5 टाइम्स, 5 20 जो है यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये जो इसका फाइनल आंसर है। नंबर 7 में जो दिया हुआ यहाँ पर है 49/49/40। तो अभी जस्ट आपने याद रखना है 49 को अगर डिवाइड देते हैं 40 के साथ हमने टेबल पढ़ना है 140 40। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं डिविडेंड जो है वो भी यहाँ पर जो है बड़ी है तो डिवाइजर छोटा है तो 140 40 कर देंगे और यहाँ पर 9 0 का डिफरेंस 9 आ जाएगा। अभी हमने जस्ट यहाँ पर पॉइंट लगानी है और यहाँ पर 0 लगा देनी है तो 140 240 जो है यहाँ पर 80 हो जाएगा और यहाँ पर डिफरेंस 10 का आ जाएगा। पॉइंट आई हुई है तो जस्ट हमने एक और 0 ऐड कर देनी है। तो हम अभी बोल सकते हैं कि अगर 2 टाइम टेबल पढ़ते हैं एक दफा फिर तो हमें यहाँ पर जस्ट मिल जाएगा 140 40 देन 240 80 और यहाँ पर डिफरेंस 0 देन 2। सो अभी जस्ट यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे। अभी 40 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 200 हो जाए। सो जस्ट हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं 40 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 5 0 0 देन 5 4 20। सो बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर 5 टाइम टेबल पढ़ते हैं 40 का तो यहाँ पर हमें जस्ट 200 मिल जाएगा और यही जो इसका फाइनल आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। जस्ट हमने 71 को जो है यहाँ पर डिवाइड देना है 80 के साथ। सो हम यहाँ पर 0 देन पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 0 का इजाफा कर देंगे और यहाँ पर 80 का टेबल अगर हम 8 टाइम पढ़ते हैं तो 8 0 0 देन 8 8 60
फोर हो जाएगा, और यहाँ पर ये टेबल हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एट लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 640, और डिफरेंस मालूम करेंगे जीरो, देन यहाँ पर वन लेके आना है तो 11 4 का डिफरेंस 7 आ जाएगा और यहाँ पर जीरो। सो पॉइंट आई हुई, एक दफा फिर हमने यहाँ पर जीरो लिख देनी है, और एक दफा फिर हमने कोई टेबल पढ़ना है 8 times, तो हमें जस्ट यहाँ पर 640 मिल जाएगा और यहाँ पर जीरो, देन यहाँ पर 6, देन जीरो। सो पॉइंट आई हुई है तो जस्ट हमने 0 एड कर लेनी है, और अभी हमने कितने टाइम अगर टेबल पढ़ें कि हमें जस्ट यहाँ पर 600 मिल जाए, तो हम 80 का टेबल अगर यहाँ पर पढ़ते हैं, यही टेबल हम बोल सकते हैं कि अगर 7 times पढ़ते हैं तो यहाँ पर 560 मिल जाएगा, और डिफरेंस मालूम करेंगे 0, देन 4 का और 0 का, और पॉइंट आई हुई तो जस्ट एक और 0 एड कर लेनी है, और अगर 80 का भी टेबल अगर 5 times पढ़ते हैं तो 500 देन 8 5 400, तो यहाँ पर जस्ट हमने 5 लिखना है और यहाँ पर 400 लिखना है, और यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 हमें मिल जाएगी। तो 9 number प्रॉब्लम जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें है 451 को जो है 100 के साथ डिवाइड देना है, तो जस्ट यहाँ पर 451 को जो है हमने 100 के साथ डिवाइड देना है, तो 4 times अगर टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें 400 मिल जाएगा, डिफरेंस 15 का आ जाएगा, पॉइंट लगानी है 0 लगा देनी है, अगर 5 times टेबल पढ़ेंगे तो 500 मिल जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस 10 का आ जाएगा, पॉइंट आई हुई है तो एक और 0 एड करनी है, अभी 1 time अगर टेबल पढ़ते हैं तो 100 मिल जाएगा, और ये ही जो इसका फाइनल आंसर है। सो 10 number डे स्टूडेंट से मेथड अप्लाई करते हुए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 79/100 है, तो जस्ट 79 को जो है हमने डिवाइड देना है, यहाँ पर 100 के साथ पॉइंट देनी है और यहाँ पर 0 लगा देनी है, 7 times टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 700 मिल जाएगा, और यहाँ पर 90 डिफरेंस मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है अपने 408 करनी है, अगर 9 times टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें 900 मिल जाएगा, और यही जो इसका फाइनल आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 11 number दिया हुआ है 83/100, सो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 83 को जो है जस्ट 100 के साथ डिवाइड देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 8 times अगर टेबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 800 मिल जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस 30, पॉइंट आई हुई तो जस्ट 0 एड करनी है, अगर 3 times टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 300 मिल जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर है। नंबर 12 में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर दिया हुआ है 111/400, सो अभी जस्ट हमने यहाँ पर 111 को जो है डिवाइड देना है 400 के साथ, सो अभी हम देख सकते हैं टेबल नहीं लग रहा, 0 देन पॉइंट, देन यहाँ पर 0 एड कर लेनी है, तो अगर 2 times टेबल पढ़ते हैं ये स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमें 800 मिल जाएगा, और अभी इसका डिफरेंस मालूम करेंगे 0 देन 1 1 0 1, देन यहाँ पर आने के आएंगे तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस हमें मिल जाएगा, और पॉइंट आई हुई है तो जस्ट हमने यहाँ पर 0 एड करनी है, और अभी अगर 4 times का टेबल कितने टाइम पढ़ें कि यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं अगर 7 times टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर 28 मिल जाएगा, 2800, तो यहाँ पर 0 देन 0 देन 1 यहाँ पर लेके आना है, सो 11 11, 8 का डिफरेंस जो है 3 आ जाएगा, और यहाँ पर एक दफा फिर पॉइंट लगी हुई है तो 0 8 का लेनी है, और अगर अभी हम 7 times टेबल फिर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक दफा फिर हमें 2800 मिल रहा है, और यहाँ पर जस्ट डिफरेंस जो मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा 2 का, और यहाँ पर 0, तो पॉइंट आई हुई तो एक दफा फिर हमने 0 लगा देनी है, और यहाँ पर अगर हम 400 का अगर 5 times टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स 2000 मिल जाएगा, और यही जो इसका फाइनल आंसर। 13 number जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 777/800, सो यहाँ पर 777 को जस्ट हमने 800 के साथ डिवाइड देना है, सो हम देख सकते हैं नहीं टेबल लग रहा तो यहाँ पर 0 देन पॉइंट लगाने के बाद एक और 0 का इजाफा करना है, अभी 800 का कितने टाइम टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर हमें 7770 मिल जाए, तो अगर हम यहाँ पर 8 times पढ़ते हैं तो यहाँ पर 800 800 0 देन 8864, तो अभी 9 times टेबल पढ़ते हैं 800 का तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9090 देन 72, सो हम बोल सकते हैं अगर यहाँ पर 9 times टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7200, और डिफरेंस मालूम करेंगे 0 देन 7 देन 5, सो पॉइंट आई हुई एक दफा फिर हमने 0 जस्ट एड कर लेनी है, तो अभी 8 यहाँ पर अगर हम 800 का
यहाँ पर सेवन टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 700 देन 70 देन 78, यहाँ पर 56 बन जाएगा और 56 इस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यही टेबल लगेगा। यहाँ पर सेवन टाइम टेबल लगाएंगे हम, यहाँ पर सेवन लिखेंगे और यहाँ पर जो है 5600 लिख देंगे, 65600 जीरो देन जीरो देन वन और पॉइंट आएगी तो एक और जीरो एड कर लेनी है, वन टाइम टेबल बढ़ेंगे तो यहाँ पर 800 मिल जाएगा। और जस्ट हमने डिफरेंस मालूम करना है, जीरो देन जीरो देन टू, पॉइंट आई हुई तो एक दफा फिर हमने यहाँ पर जीरो लगा देनी है। अगर टू टाइम टेबल पढ़ते तो यहाँ पर 1800 देन 200 1600 मिल जाएगा और यहाँ पर जस्ट डिफरेंस जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 400 का। और यहाँ पर पॉइंट आई हुई तो जस्ट हमने एक और जीरो एड कर लिया। अगर अभी 800 के लिए फाइव टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 500 देन 8540, तो जस्ट हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर फाइव टाइम टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है हमें 4000 मिल जाएगा और यही जो इसका फाइनल आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में है 551 और उसे जस्ट डिवाइड देना है यहाँ पर 1000 के साथ। सो यहाँ पर जीरो देन पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर भी जीरो लगा देनी है और फाइव टाइम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 5000 मिल जाएगा और डिफरेंस जीरो देन वन का हमें मिल जाएगा। देन फाइव पॉइंट आई हुई तो एक दफा फिर जीरो लगा देनी है और फाइव टाइम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक दफा फिर हमें 5000 मिल जाएगा और डिफरेंस 100 का। तो पॉइंट के बाद हमें एक जीरो येलो होती है तो हमने जस्ट वन टाइम टेबल पढ़ना और इसका जवाब जो मिल जाएगा वो 1000 मिल जाएगा। और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 15 नंबर जो दिया हुआ है उसमें है 999 अपॉन 10000, तो जस्ट हमने यहाँ पर 999 को जो है जस्ट 10000 के साथ डिवाइड देना है। तो यहाँ पर जीरो देन पॉइंट और जीरो लगा देनी है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर 9990 मिल रहा है तो नई टेबल लगा तो यहाँ पर एक जीरो एड करनी है और एक जीरो यहाँ पर भी एड करनी है क्योंकि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ एक ही जीरो की येलो होती है तो हमने यहाँ पर वो लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर टेबल नहीं लग रहा तो हमने जस्ट यहाँ पर भी जीरो लगा देनी है, यहाँ पर भी जीरो लगा देनी है। तो अभी यहाँ पर हमें मिल जाता है 99900, तो अभी हमने जस्ट यहाँ पर कितने टाइम टेबल पढ़े 10000 का जो हमें 99900 मिल जाए। सो हम 9 के टाइम टेबल पढ़ते हैं 9000 देन 0 देन हम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर 9 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें जस्ट 90000 मिल जाएगा और यहाँ पर 99000, सो डिफरेंस मालूम करेंगे 0 देन 0 देन 9 देन 9, सो हम एक दफा फिर यहाँ पर पॉइंट आई हुई है तो 0 लगा देंगे। अभी एक दफा फिर अगर हम 9 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें जस्ट जो है 90000 मिल जाएगा और 0 देन 0 देन 0 देन 9 पॉइंट आई हुई तो जस्ट जीरो लगाने के बाद अगर एक दफा फिर हम टेबल सेम पढ़ते हैं सेम टाइम तो हमें जस्ट यहाँ पर जो है मिल जाएगा ये।